कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी हो रही है दोपहर और बच्चों को मैंने कल वाले जो चावल थे, मैंने जो बनाए थे वही दे दिए हैं। स्कूल से बच्चे आए थे तो अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो चलें जी ब्लॉग। मोहम्मद अली को मैंने सुला दिया है और आपको पता है छोटे बच्चों के साथ कितने काम होते हैं, उनकी फीडरें भरनी होती हैं, उन्हें संभालना होता है, ये भी बहुत बड़ा काम होता है, और ब्लॉग भी बनाना होता है, वीडियो भी अपलोड करनी होती है। सारे काम मैं अपने घर के खुद ही करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है। और ये देखें गाइस कितने खूबसूरत से मैंने बाउल मंगवाए थे और ये आ चुके हैं। और ये मैंने फ्रूट चाट के लिए मंगवाया था, कितना प्यारा सा है। और इस पर देखें ज़बरदस्त फ्रूट बना हुआ है। और ये मैंने दही बड़े वगैरह छोले वगैरह के लिए मंगाया था, ये भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा है। और ये मैंने बच्चों के लिए प्लेटें मंगाई थी, ये देखें जी ये कितना प्यारा सा है। और इसके अंदर जो है ना मैं फ्रूट चाट रख लूँगी और इसके अंदर मैं दही बड़े छोले वगैरह दूसरी चीज़ें रख लूँगी, क्योंकि बच्चों का घर है तो आपको पता है कांच के बच्चे जो है ना तोड़ देते हैं कांच के जो बाउल वगैरह होते हैं। और मोहम्मद अली तो इस रमज़ान जो है ना देखें क्या करते हैं, दस्तरखान के ऊपर तरम भरम करने वाले हैं। और तो उनसे बचने के लिए जो है ना ये चीज़ें आ चुकी हैं ताकि वो ये चीज़ें ना तोड़ें ताड़ें। और ये देखें जी ये भी कितनी प्यारी सी, ये देखें जी ये कितनी ज़बरदस्त सी है और कितनी प्यारी सी है बच्चों के लिए। जब बच्चे इसमें पकोड़े वकोड़े लेंगे तो वाह मज़ा आ जाएगा, बच्चों को भी इंजॉय कर। जी गाइज़ आप लोगों को मेरे बाउल सेट कैसे लगे रमज़ान के लिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये प्लेटें भी कैसी लगें, ये देखें जी ज़बरदस्त से लग रहे हैं ये बाउल और कितने खूबसूरत से। छोटी छोटी सी चीज़ें मैंने तैयार की हैं रमज़ान के लिए और देखें माशाल्लाह से साथ खैरियत से रमज़ान सबके। जी गाइस ये देखें मैंने बकरे का गोश्त वॉश कर लिया है और बहुत अच्छे से। अब मैं इसमें पानी डालूंगी और इसका फ्लेम खोलूंगी और एक चमचा जो है ना एक चमचा सिर्फ नमक डालूंगी, ठीक है, ताकि गोश्त हमारा। चलें जी इसका फ्लेम मैं खोलती हूँ जी, फ्लेम मैंने खोल दिया है और एक चमचा जो है मैं नमक का इसमें भर के डाल दूँगी, ठीक है। और मैं गोश्त को चढ़ा दूँगी गलने के लिए, फिर हम अपनी कढ़ाई रेडी करेंगे, ठीक है जी। गाइस फाइनली ये मेरा गोश्त अच्छा खासा गल चुका है और ये डेढ़ चमचा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी, इसमें मसाले बहुत कम डालेंगे। एक चमचा मैं नमक डाल चुकी थी, आधा चमचा और डाल दिया है मैंने। और दो चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ, ये देखें भर के, ठीक है जी। और जितना आपका गोश्त हो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा, ठीक है। और मेरे पास बचा हुआ दही था तो ये चार चमचे होगा खाने के, तो वो भी डाल दिएगा, ठीक है जी। कल हमारा बचा था दही तो मैं वही डाल रही हूँ, आप लोग दूसरा लेते हैं तो दूसरा ले लीजिएगा, आपके पास रखा हुआ हो तो रखा हुआ ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। और ये मैंने 6 से 7 टमाटर ले लिए हैं, इसको काट लिया अच्छी तरीके से, सही है जी। और चलें अब इसका लिड बंद कर देते हैं और ये अपने ही पानी के अंदर ड्राई होगा अच्छी तरीके से। चलिए गाइस इसके छिलके जो हैं हम लोग रिमूव करते हैं ऊपर से, जब तक फ्लेम मैंने हल्का कर दिया है। और ये देखें जी कितने आराम से जो है ना उतर गए, ये देखें जी ज़बरदस्त, इसी तरह सारे जो है ना छिलके, ये देखें। और इतने कम मसाले में रेडी हुई है ये और इतने मज़े की हुई है ये, तंदूर की रोटी के साथ आप खाएं इसको। और स्पाइसेस आपको अगर तेज़ करने हो तो कर लीजिएगा, आप लोग मिर्चें ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो कम रखी हैं, बच्चों के साथ हैं, छोटे बच्चे हैं कम खाते हैं और हम लोग भी कम खाते हैं। और मोहम्मद अली किचन में आ चुके हैं तबाही मचाने के लिए। चलें जी। अच्छा जी कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना उसकी बात ही कुछ और होती है अल्लाह पाक की तरफ से ना, तो उसमें अगर ये वाली कढ़ाई बनाए तो भाई बात ही कुछ और है, और खुशबू जायका हर चीज़ ही बहुत ज़बरदस्त है। पर ये भी बहुत मज़े की लगेगी आप लोगों को, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों में। तो चलें अब इसको हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं
और फिर आखिरी में मैं हरी मिर्चें इसमें डालूंगी, ठीक है। और आप लोगों को स्पाइसेस तेज़ करने हो तो मिर्चें डाल दिएगा ज़्यादा, मैं कम डालूंगी, क्योंकि हम लोग नॉर्मल मिर्चें खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस बच्चों के साथ अच्छा भी नहीं रहता, और मैं भी नहीं खाती इतने ज़्यादा मिर्चें ना कि छोड़ करूँ, तो नॉर्मल होते हैं जी। गाइस ये देखें, अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला, अब मैं थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल रही हूँ, और ये देखिए बस जी, ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है इसमें। चले गाइस ये देखें, ये अच्छी खासी भुन चुकी है, और ये देखें ज़बरदस्त, ठीक है जी गाइस, फ्लेम मैंने हल्की कर दी है, और दो पतली पतली मिर्चें हैं मेरे पास, उसको मैंने काट ली हैं, और काफ़ी तेज़ होती हैं छोटी मिर्चें, आपको पता है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, मैंने अपने हिसाब से डाली हैं ये, ठीक है जी। और अब मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ जी गाइस, ये देखें ये मेरी ग्रेवी है, ठीक है, ये बस, ठीक है जी, ये मेरी ग्रेवी है, और अब मैं फ्लेम बंद कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई रेडी हो चुकी है, डन हो चुकी है, ठीक है जी। ये कढ़ाई रेडी हो चुकी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मटन कढ़ाई है, और ज़बरदस्त सी मैंने डिफरेंट सी बनाई है, बहुत यमी, बहुत मज़े की, और तंदूर की रोटी के साथ ट्राई कीजिएगा। चलें हमारा डिनर रेडी हो चुका है, हम लोगों को बहुत भूख लग रही है, और बच्चों को भी, मुस्तैन को भी, वेट कर रहे हैं सब, तो चलें हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर। और मोहम्मद अली देखें कितना शोर कर रहे हैं, मुझे कितना तंग करते हैं ना, कि वीडियो भी बनाने नहीं देते बिल्कुल भी। अब आप लोग सोचें, आप लोग, मैं कितनी मेहनत करती हूँ, और आप लोग जो है ना लाइक नहीं करते इतना ज़्यादा। चलें सब्सक्राइब भी कर लें, और फॉलो भी कर लिया करें, शेयरिंग भी कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, और हक बनता है भाई मेरा, ये देखें ज़बरदस्त।